कैमरा साउंड चलेगा, कपूर खानदान दिखता रहेगा, पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक। ये खानदान रहा है सबसे मशहूर। आज सिनेमा के सबसे महान खानदान की दास्तान सुनाने आ रहा है खुद 70mm का पर्दा। प्लीज वेलकम कपिल एज 70mm का पर्दा विद सरगुन एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। नमस्कार ऑडियंस, कैसे हैं आप? तू तो मत बोल बे, लूज मोशन वाला मुंह लेके बैठा हुआ है। माफ करना अर्चना और सोहेल, मैंने आपसे पहले ऑडियंस का हाल पूछा, क्योंकि ऑडियंस है तो मैं हूँ, यानी बॉलीवुड। 70mm का वो पर्दा, पुराने जमाने में क्या स्टाइल था, क्या हीरो होते थे, क्या हीरोइन होती थी, आज तक खूबसूरत लगती है। और पुराने जमाने के हीरो क्या स्टाइल था उनका, राजकुमार साहब, उनका पाइप पीने का अंदाज यूं। फिल्म चाहे 2000 में साइन की हो, लेकिन चेहरे पे 5 लाख की अकड़ होती थी। हर फिल्म में पाइप पीते थे और प्रोड्यूसर उनको साइन करने से पहले पाइप की डेट लेते थे। उनको पता था राजकुमार साहब खुद आ ही जाएंगे। हम बोलते थे अपने आप को, क्या डिग्निटी थी उनकी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे ऊपर वो उनकी फिल्म चली, मैं कंफ्यूज हो गया जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। मुझे लगा 4 आदमी होंगे। मैंने 4 कप चाय बनवाई, मेरे 3 कप खराब गए, वो अकेले निकले। कितनी चौड़ी कलमें होती थी पुराने हीरो की, इतनी चौड़ी मुंबई पुणे हाईवे से भी ज्यादा चौड़ी। इतनी चौड़ी कलमें कि निकुल गांडा की 2 विग बन जाए उसमें से, और बाकी बचे बालों में से आशुतोष राणा के आईब्रो। और पुरानी हीरोइन, क्या दबदबा था उनका, कितना बड़ा बड़ा जूड़ा करती थी। डॉक्टर जूड़े को हाथ लगा के बता देते थे ये प्रेग्नेंट है। मुझे आज भी याद है जब हिंदुस्तान की सबसे पहली मूक फिल्म को मेरे ऊपर प्रदर्शित किया गया, राजा हरिश्चंद्र, उनको जानबूझ के उस फिल्म को मूक बनाया गया, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे और सत्य बोलने वाले को हमारे हिंदुस्तान में हमेशा चुप करा दिया जाता है। उसके बाद मुझे याद है हिंदुस्तान में पहली बोलने वाली फिल्म जब आई आलमारा, पहले ही शो के बाद सिनेमा में दंगे हुए, लोगों ने विद्रोह किया, सब लोगों ने पत्थर मारे, भाई कितनी देर से शोर मचा रहा था, आलम आ रहा, सारी फिल्म निकल गई, आलम तो आया नहीं। इट मे बी अ बैड जोक बट माय इंटेंशंस वर नॉट बैड। आई नो यू हैव सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर मी बट डोंट लव। उसके बाद दौर आया कपूर खानदान का, पृथ्वीराज कपूर साहब। मुझे याद है जब उनकी पहली फिल्म आई मुगले आजम, मेरे पर्दे पर प्रदर्शित हुई कुछ इस प्रकार से। हम सलीम से बेइंतहा मोहब्बत करते। हेलो, शहजादा सलीम कहो, ऐसे सलीम नहीं बोलते, उनके बेटे यहाँ पे शो जज कर रहे हैं। हम तो उनके बेटे के नाम के आगे भाई लगा दे, आप सीधा अंकल का नाम ले रही हैं। है इन्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम शहजादे सलीम की बात कर रहे हैं। उनको क्या समझ, उनको ये नहीं समझ आ रहा अपनी फिल्म कब शुरू करें। सलीम क्या, चुप रहिए, आप ऐसे नहीं बोलते। और आपके वो कहाँ है, वो मुच्छड़, क्या नाम है वो अपना, बादशाह अकबर? वो शिकार पर गए। तू मरवाएगी हमें, कभी सलीम कभी शिकार। अब विवेक और ऐश्वर्या का नाम ले, गोली मरवा दे हमें सीधा। ऐसे नहीं बोलते, कितनी बार बोला है तुमने। शहंशाह आलम को अनारकली का आदाब, हम आपके बेटे शहजादे सलीम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या नहीं, ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? कनीज, तुम हमारे महल की रानी कभी नहीं बन सकती। अभी तो तुमने उसका सिर्फ नाच देखा है, उसकी कॉमेडी देख लो, उसको भाई भी ना रखो महल में। ये आप हमारी नृत्य कला की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये नृत्य नहीं होता, मुजरी मुजरा दे मुजरा, ये इतना अच्छा नृत्य आता तो कर मुछड़ के सामने, अगर उसको पसंद आया तो दे देगा तेरा हाथ सलीम के हाथ में। क्यों बादशाह सलामत, मैंने झूठ बगाई हुई? बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मेन कॉमेडियन की बात काट के नुकसान थोड़ी ना करवाना है। चलो हम तुम्हें फांसी पे लटका देंगे। ए बुढ़े, ज्यादा फैल में तू फांसी पे लटका देंगे। तेरे को पता भी है फांसी का मतलब क्या होता है? फांसी पे लटकाने से पहले लटकाने वाले पे जो करोड़ों रुपए का खर्चा था वो तेरा बाप देगा। तालियां। एक काम करते, इन्हें दीवार में चुनवा देते। आपका दिमाग खराब है, ईंट सीमेंट के भाव पता आपको क्या हो रहे हैं? 8 रुपए की ईंट आती है, 5,000 ईंटें लगेगी, गरीब आदमी का घर बनाना मुश्किल हो गया। इतनी ईंटें लेकर दीवार खड़े करेंगे? मैं तो कहता हूँ एक ईंट मंगाओ, सर पे मार के सर फोड़ो, काम खत्म करो।
ईट लाई जाए। लाई क्या, जो गले में फसाई निकालो उसको। हुक्म की तामील हो। हुक्म की हिंदी लोगों को समझ में नहीं, तामील करो तामील करो। क्या मेरी बात सुनो, तामील करो। ईट खुद ही लाके लानी पड़ेगी। कौन लाएगा, तीन ही तो लोग हैं, और हमारा जो मुख्य दरबान है वो तो जज बना हुआ आज काले कपड़े पहन के। जा बना, आप ये भूल रहे हैं कि हम अनारकली हैं, आपके बेटे की होने वाली बीवी और इस रियासत की होने वाली महारानी। गणेश, हम तुम्हारी जुबान कलम कर देंगे, कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगी। तुम हमारे बेटे की वाइफ कभी नहीं बन सकती। देखा आपने, 50 सालों से सेम डायलॉग सुन रहा हूँ मैं। वही बुड्ढा, वही उसकी जो भी है, कोई चेंज नहीं। यही फिल्म जब आई थी 72 हफ्तों तक यही सब कुछ सुना सुना के लोगों की वाहवाही बटोरते रहे। बटोरा के नहीं, और हम लोग हर हफ्ते नया करते, तारीफ के नाम पे एक रुपया नहीं देते हमें। हजरत यार, चल बहुत हो गया, निकले भाई। पृथ्वीराज की बड़ा मैगी कहीं की, चल निकले यहाँ से, निकले यहाँ से, चलो चलो। पृथ्वीराज कपूर साहब के बाद वक्त आया राज कपूर साहब का। मुझे आज भी याद है, मेरा नाम जोकर। शुरू शुरू में वो फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन बाद में लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। उस फिल्मों में जो दौर होता था मीडिया का, उस फिल्मों में मीडिया बहुत तेज होता था। इधर चोरी हुई, सुबह एक लौंडा अखबार लेके बाहर घूमता था, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मुझे लगता है या तो वो रजत शर्मा का दादा था या प्रभु चावला का छोटा भाई। ये सब चीजें होती थी। और पुरानी फिल्मों की माँ यानी कि निरूपा राय, वो बड़ी ही दलेर स्त्री होती थी, क्योंकि जब भी वो गुंडों के कब्जे में आती थी और उनका बच्चा उनको बचाने आता था, वो डरती नहीं थी। कहती थी, बेटा चला गोली मेरी जान की, फिक्र मत कर, क्योंकि उसको पता था कि एंड में हमें बचना है, विलन ने मरना है, क्योंकि उसको पता था स्क्रिप्ट में यही लिखा है। उस जमाने की जो पुलिस होती थी वो बिल्कुल हमारी सरगुन की तरह होती थी, बाहर खड़ी क्यू का वेट करती रहती थी, आती फिर भी टाइम पे नहीं थी। और 70 की फिल्मों में हीरो की फिटनेस का कोई लेना देना नहीं था। मैंने बड़े ऐसे हीरो देखे, मोटे मोटे हीरो कॉलेज का स्टूडेंट बनने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते थे। बहुत बार मैंने खुद अपनी आंखों से संजीव कुमार को अपना मोटा पेट ले जाकर कॉलेज का सीन करते हुए देखा, कॉलेज में जाके घुसते हुए देखा। चलो कॉलेज में घुस भी गए, लेकिन स्टूडेंट के बेंच पे बैठने का क्या मतलब। हद तो तब हुई जब मैंने भारत भूषण जी को स्टूडेंट बने हुए देखा। तू क्या हो श्री, खुद का कॉम्बिनेशन देख, गाजरी कलर की स्कर्ट, हरे रंग के जूते पहन के आ गई। उसके बाद दौर आया कपूर खानदान के एक और चिराग शशि कपूर साहब का, जिन्होंने नई फिल्म में काम किया। और मुझे याद है वो सोहेल साहब के पिताजी ने वो फिल्म लिखी दीवार, और दीवार को उस दौर में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस दौर में हर फिल्म में भाई भाई का दुश्मन होता था। आइए देखते हैं वो दौर। हाय, हमने आके, हाय, हमने आखिर उस कहावत को पूरी तरह गलत साबित कर ही दिया कि कार से आने वाले अक्सर लेट ही आते हैं। आज हम अपने भाई रवि से पहले यहाँ आ गए। ए, पहले वाले कोई नहीं आया, लेट वेट नहीं, वो थे पहले खड़ा। जो आदमी चलता ही रहता है वो कभी लेट हो सकता है। बाय बाय बाय, आप एक कमाल करते हैं। बाय, कैसे हो भाई? मैं बहुत बोल। हाय भाई, बता मुझे इस पुल के नीचे क्यों बुलाया है? अरे पुल के ऊपर बुलाता, जैसी हरकत कर नीचे गिर जाते तो बचाता कौन आपको? है हाय, मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें शहर के नाम ही कुंटो का नाम है। बताओ उसमें तुम्हारा नाम कहाँ पर है? हाय, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रवि, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम अपनी ये पुलिस की वर्दी उतारो और मेरे साथ काम करो। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए। ए बच्चों के बच्चन, इधर। अमिताभ बच्चन साहब का दौर आया, उनको नहीं पता था कि ये दौर भी उन पे आ सकता है। देखिए सर, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप उनको कैसे मिला सकते हैं? देश में 3-4 तो इंस्पेक्टर हैं जो ईमानदार है, एक आपका भाई, दूसरा वो सिंघम वाला अजय देवगन, तीसरा वांटेड वाला सलमान खान, ये भी आपके साथ मिल गए तो देश का क्या होगा? इसीलिए तो मैंने गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। गिरफ्तार हो जाओ। मुझे गिरफ्तार करने आए तुम? हाय, आज तक वो सलाखें नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार कर सके। बेड़ा गर्क क्यों बताया, सलाखें नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार। अब वो जाएगा बनवा के लाएगा, फिर ले लेना ठेंगा, घुसा देगा तुम्हें अंदर। अरे वैसे भी मेरे इतने से भाई को गिरफ्तार करने के लिए सलाखों की क्या जरूरत है, मैं तो च्युइंगम से लपेट के इसको घसीट कर लेके जाऊंगा। वैसे भाई ईमानदारी के रास्ते में आ जाओ भाई। ईमानदारी क्या दिया है मुझे ईमानदारी ने? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाय, मेरे पास माँ है। एक काम करो, इस पेपर पर साइन कर दो। ये लो। हाय, अरे इतनी जल्दी कर दिया भाई, आज ये नहीं कहा कि जाओ मेरे उसकी साइन लेकर आओ, मेरे हाथ पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है। अरे सबने देखी है दीवार, क्या लिखना बोलना, खत्म करो काम, साइन करती निकलो ना अपना पेपर लेके। दाढ़ी बड़ी तो लगा दी, थोड़ा थोड़ा लगती। खैर
शशि कपूर साहब के बाद दौर आया बाकी कपूर का। सबने बड़े पर्दे पर तहलके मचा दिए, जितने भी कपूर आए, रोहन कपूर, गोगा कपूर। फिर दौर आया खान ब्रदर्स का, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान। मुझे याद है सोहेल खान के दौर में जब उनकी फिल्म की शुरुआत हुई शेर खान की, और इसी के साथ दी एंड, क्योंकि इस फिल्म के बारे में मैं भी उतना जानता जितना आप लोग जानते हैं। शुक्रिया। सुहेल, I love the concept and I love you guys and undoubtedly you guys deserve a standing ovation. Yeah. Thank you, bhai. Thank you. A standing ovation from Suhail. Archana, बहुत क्यूट सारी चीजें थी इस एक्ट में, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, द होल एक्ट टुगेदर वॉज एंटरटेनिंग, नॉट परफेक्ट बट परफेक्टली रिसीव्ड बाय अस, वेरी वेल। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? आई वुड लाइक टू गिव 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना एंड सोहेल। नो कपिल, यू आर ऑलवेज फैबुलस, लेकिन आई स्वेयर दिस टाइम सरगुन फॉर यू एंड फॉर मुमीन मिया, यू ऑल हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग ओके टू हिज टैलेंट। 10 points from both the judges. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.